सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहां पधारे हैं और मैं आज की विषय वस्तु अब आपके सामने रखूंगा। जब एक परिवार में, एक राजनीतिक परिवार में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ जाती है और उसके अंदर भी विचारधारा जब अलग हो जाती है तो उस परिवार में राजनीतिक मतभेद होना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर उस मतभेद का स्तर गिरा दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसका जवाब देना अनिवार्य हो जाता है। आप सबको ध्यान है कि शिव प्रताप सिंह जी खाचरेवास हमारे परिवार के सदस्य हैं और श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के भतीजे हैं और कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमको जवाब देना चाहिए, लेकिन पारिवारिक बात जो है वो स्तर में जो सामने नहीं आए उसको हम जितना हो सके दबाना चाहते थे। लेकिन आप सबको ध्यान है कि अभी 15 मई को खाचरियावास में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया था, उस कार्यक्रम के भव्य और सफल आयोजन के बाद में मेरे पास किसी का मैसेज आया कि आप को व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो भेजा है, वो देखिए। वो वीडियो देखा तो उसमें हमने देखा कि प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने ऐसा कहा है और वो भी भैरव सिंह जी शेखावत साहब के समाधि स्थल जैसी उस पवित्र भूमि पर खड़े होकर इतना अनर्गल, इतनी झूठी बातें उन्होंने की हैं। वो देख के मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के बीच में एक हमारे परिवार की तरफ से और पार्टी की तरफ से भी कहीं हद तक कुछ बातें आपके सामने लाना अब ज़रूरी है। सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि इस कार्यक्रम के आयोजन में श्रद्धेय शेखावत साहब के जो इकलौते अब भाई हैं प्रताप सिंह जी के पिताजी आदरणीय ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी, उनको बुलाया नहीं गया। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस कार्यक्रम में मेरे बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह जी ने 13 मई को शाम को लक्ष्मण सिंह जी को फ़ोन किया है, उनसे बात हुई है, उन्हें बताया है कि 15 तारीख को खाचरियावास में इस बार प्रोग्राम है और बीजेपी और परिवार मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जयपुर में नहीं है इस बार? हमने कहा नहीं, जयपुर में नहीं है साहब, खाचरियावास में है। और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो उनके पिताजी ने उन्हें बात बताई नहीं या उन्होंने अपने पिताजी से पूछना लाजमी नहीं समझा, इसका जवाब वे दें। लेकिन बड़े शक्तिशाली मंत्री हैं, चाहें तो अपने पिताजी के हमारे कॉल रिकॉर्ड्स मंगा के देख लें। 13 तारीख की शाम को हमारी उनसे बात हुई है, हमने उन्हें आग्रह किया है और उन्होंने आने के लिए हाँ भी कहा था। उसके बाद में जो एक बात जो हमें बहुत ज़्यादा चुभी कि श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के समाधि स्थल को लेकर उन्होंने ऐसी बात बोल दी। ये कहा कि परिवार वाले तो चाह रहे थे चांदपोल ले जाओ और मेरे को उन्होंने कहा, नरपत सिंह जी ने मेरे से हॉट टॉक्स कर लिए कि वहाँ लेट क्यों कर रहे हो, उनको चांदपोल ले जाते हैं। और उनके कहने पर गहलोत साहब ने ये समाधि स्थल की लैंड अलॉट करी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाधि स्थल की लैंड शेखावत साहब के निधन के 3 या 4 घंटे के अंदर ही अलॉट हो गई थी और उनका दाह संस्कार अगले दिन था। अगले दिन दाह संस्कार के समय जो परिवार की तरफ से शोक संदेश जारी हुआ उसमें भी कहा गया था कि अंतिम यात्रा वहाँ जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर हूँ, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल खुलेआम कहता हूं कि समाधि स्थल का श्रेय किसी को जाता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जाता है। उसमें कई लोगों ने सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका उस समय निभाई थी और इतना कह सकता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी की हमारी बातचीत हुई, हमने उन्हें 2-3 स्थान सजेस्ट करे तो उन्होंने वापस फ़ोन करके कहा कि जो तुमने स्थान बताए हैं वो भैरव सिंह जी के उपयुक्त नहीं है। मैंने JDC को कहा है भैरव सिंह जी के उपयुक्त स्थान देख कर और वहाँ पर लैंड अलॉट की जाएगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि श्रेय मेरा है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन उसमें कई लोगों ने सकारात्मक भूमिका निभाई, कई लोगों ने नकारात्मक भूमिका निभाई। उसका पूरा श्रेय कह देना कि मैंने कहा परिवार वाले तो उठाने को तैयार हो रहे हैं, नरपत सिंह जी मुझसे हॉट टॉक्स कर रहे हैं वगैरह, इस टाइप की बात मेरे हिसाब से परिवार का सदस्य तो छोड़िए, कोई दुश्मन भी इतनी झूठी बात वो भी उस स्थान पर खड़ा होकर नहीं कहेगा। और गहलोत साहब के लिए मैं आप लोगों से आग्रह कर सकता हूँ कि चाहे मुख्यमंत्री जी से पूछ लें इस बारे में, क्या किसी एक व्यक्ति के कहने पर उन्होंने इस निर्णय को लिया, क्या प्रताप सिंह जी ने ऐसा कोई भूमिका निभाई थी। मैं ये नहीं कहता उन्होंने कोई नकारात्मक भूमिका निभाई, हो सकता है उनका भी इसमें एक रोल रहा हो। जब CM साहब ने सबसे राय ली थी, जिसमें मेरे पिताजी को फ़ोन करके नरपत सिंह जी को उन्होंने CM हाउस बुलाया जब CP जोशी साहब मौजूद थे और उसके बाद में CM हाउस से कई अधिकारियों के साथ में श्रीमती पांडे साहब भी वहाँ मौजूद थे, कई अधिकारियों के साथ उनको भेजा गया विद्याधर नगर में स्टेडियम वाली जगह देखने के लिए। उसके बाद वो जगह फाइनल हुई थी। तो उसका श्रेय लेना या किसी एक ये कहना कि परिवार तो वहाँ ले जाना चाह रहा था, मैंने उन पर उपकार कर दिया, ये बहुत एक ओछी बात है। इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही 5 चीज़ों का श्रेय उन्होंने खुद को दिलाया है। समाधि स्थल के अलावा उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यालय में भी भैरव सिंह जी की फ़ोटो इसलिए लगी क्योंकि मैंने कहा कि भैरव सिंह जी की फ़ोटो लगाओ। उन्होंने ये भी कहा है कि समाधि पर पुष्पांजलि भी तब चालू हुई जब मैंने पुष्पांजलि कर दी। उन्होंने ये भी कहा है कि 1996 में सरकार भी बचाने में उन्होंने योगदान दिया था। और उन्होंने ये भी कहा है कि समाधि स्थल। उन्होंने ये भी कहा है कि खाचरेवास में कार्यक्रम इसलिए रखा गया क्योंकि प्रताप सिंह खाचरेवास अपने नाम के आगे खाचरेवास लगाते हैं, इसलिए बीजेपी डर के हमारे खाचरेवास चली गई। तो ये इन सब बातों का एक और चीज़ कही थी जो शायद बड़ी हास्यास्पद है कि भैरव सिंह जी ने मुझे 5 दिन पहले कह दिया था कि मैं तो 15 मई को चला जाऊँगा। इस तरह की बातें अब मेरे हिसाब से उसका क्या जवाब दिया जाए मुझे समझ में नहीं आता। खाचरेवास उनकी जन्मभूमि है, उनकी पहली कर्मभूमि रही दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया कि वहाँ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। और इससे पहले उन्होंने जब हमसे राय ली तो हमने तो उनका आभार व्यक्त किया कि आपने इतना अच्छा विचार किया है और इसीलिए खाचरेवास स्थान चुना गया। वो कह रहे हैं आज से 12 साल तक कोई खाचरेवास गया क्यों नहीं, तो उन्हें शायद ध्यान नहीं होगा। आज से ठीक 11 साल पहले वहाँ पे खाचरेवास में शेखावत साहब की मूर्ति लगी। उस मूर्ति का अनावरण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी ने किया था और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो आज वहाँ मौजूद थी कुछ अलग दायित्वों के साथ में उस समय भी वहाँ मौजूद रही थी। इन सब बातों के बाद में मैं यही कहना चाहता हूँ, एक और बात जो बार बार कही जा रही है कि भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने 22,000 करोड़ के घोटाले के आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री जी पर लगाए थे, तो मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नाराज़ थे। उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी, लेकिन उनकी उस वीडियो को आप सब देख लें। उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत ने, कांग्रेस ने वसुंधरा जी पर 22,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए हैं और क्यों ना अगर आपने जो आरोप लगाए हैं तो उस पर आप कमीशन मत बैठाइए, आप इमीडिएट उसका इंक्वायरी कीजिए और पैसा वापस जनता को दिलाइए, ये बात उन्होंने कही थी। तो ये कहना आरोप भैरव सिंह जी ने नहीं लगाए, आरोप कांग्रेस ने लगाए और उन आरोपों के ऊपर भैरव सिंह जी ने ये कहा था कि इस पर जांच करो और इसको कमीशन में बैठाओ, जांच करो और पैसे वापस जनता के बीच में लाओ। तो ये कुछ बातें थी, मैं आपके सामने रखना चाहता था, इसीलिए आज आप सबको मैंने यहाँ पे निमंत्रण दिया था। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।